बहरहाल अब इस वक्त एक बड़ी खबर आपको सिंगापुर से देते हैं। सिंगापुर से मुख्यमंत्री योगी को न्योता मिला है। ये खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, लेकिन न्योता सिंगापुर से मिला है। वर्ल्ड सिटीज समिट के लिए निमंत्रण मिला है। सिंगापुर सरकार ने ये न्योता दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। 5 और 9 जुलाई के बीच में ये वर्ल्ड सिटीज समिट होने, देखिए जुलाई के, चूंकि जुलाई के महीने में होना है, तो ऐसे में क्या इसको स्वीकार किया जाएगा नहीं अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन अनुभव शुक्ला इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, पहले तो ये बताइए वॉल सिटी समिट किस तरह की समिट है, जो निमंत्रण मिला है सिंगापुर से योगी सरकार को, किस सिलसिले में मिला है और क्या इसको स्वीकारा गया है या नहीं? देखिए राजीव, ये सिंगापुर में हर 2 साल पर ये समिट होती है और इस बार जो विषय है समिट का वो है लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज। कैसे शहरों को और बेहतर किया जाए, कैसे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे शहरों पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उससे बचाया जाए, सामाजिक बदलाव जो हो रहे हैं, इन सारे विषयों को लेकर इस बार ये वर्ल्ड सिटी समिट बुलाई गई है। 5 से 9 जुलाई के बीच ये सिंगापुर में होनी है और इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सिंगापुर सरकार ने विशेष रूप से आमंत्रित किया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शहरों को बेहतर करने का काम हो रहा है, स्मार्ट शहर बनाने की जो कोशिश हो रही है वो एक वजह है और यही वजह है कि इस बार मुख्यमंत्री को। अनुभव, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये सामान्य है या फिर ये कुछ अलग है? क्या और राज्यों के भी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, सिर्फ विशेष यूपी को आमंत्रित किया गया है, और यूपी के मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने के पीछे की खास वजह क्या, कुछ ऐसा काम देख लिया उन्होंने उत्तर प्रदेश के शहरों में जो उनको लगता है कि मुख्यमंत्री को वहां रखनी चाहिए, कि उन्होंने कैसे किया? देखिए राजीव, ये सिंगापुर में हर 2 साल पर ये हम कहते हैं समिट होती है और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, वहाँ के जो मंत्री हैं जिनके विभागों में बेहतर काम हुए रहते हैं और जिन पर वर्ल्ड फोरम पर चर्चा होती है, उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें इन्वाइट किया जाता है। कुछ समय पहले जब ये इवेंट हुआ था तब उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री गए थे और उन्होंने भी अपनी बात रखी थी और इस बार चूंकि सस्टेनेबल सिटीज की बात हो रही है, कैसे हम शहरों को और बेहतर करें इस पर बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इनवाइट किया है सिंगापुर सरकार ने। फिलहाल अभी उनके आमंत्रण को स्वीकार तो किया है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि क्या 5 से 9 जुलाई के बीच मुख्यमंत्री जाएंगे, कब जाएंगे, अभी इन सारे चीजों पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन उनका जो निमंत्रण है वो यहाँ पर आ चुका है। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो हर 2 साल में ये वॉल सिटीज समिट होती है और इससे पहले भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहले जा चुके हैं और कैसे ज़्यादा बेहतर इसको लोगों के लिए बनाया जा रहा है इस पर चर्चाएं इसमें होती हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, लेकिन न्योता सिंगापुर से मिला है। वर्ल्ड सिटीज समिट के लिए निमंत्रण मिला है। सिंगापुर सरकार ने ये न्योता दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। 5 और 9 जुलाई के बीच में ये वर्ल्ड सिटीज समिट होने, देखिए जुलाई के, चूंकि जुलाई के महीने में होना है, तो ऐसे में क्या इसको स्वीकार किया जाएगा नहीं अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन अनुभव शुक्ला इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, पहले तो ये बताइए वॉल सिटीज समिट किस तरह की समिट है, जो निमंत्रण मिला है सिंगापुर से योगी सरकार को, किस सिलसिले में मिला है और क्या इसको स्वीकारा गया है या नहीं? देखिए राजीव, ये सिंगापुर में हर 2 साल पर ये समिट होती है और इस बार जो विषय है समिट का वो है लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज। कैसे शहरों को और बेहतर किया जाए, कैसे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे शहरों पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उससे बचाया जाए, सामाजिक बदलाव जो हो रहे हैं, इन सारे विषयों को लेकर इस बार ये वर्ल्ड सिटी समिट बुलाई गई है। 5 से 9 जुलाई के बीच ये सिंगापुर में होनी है और इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सिंगापुर सरकार ने विशेष रूप से आमंत्रित किया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शहरों को बेहतर करने का काम हो रहा है, स्मार्ट शहर बनाने की जो कोशिश हो रही है वो एक वजह है और यही वजह है कि इस बार मुख्यमंत्री को। अनुभव, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये सामान्य है या फिर ये कुछ अलग है? क्या और राज्यों के भी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, सिर्फ विशेष यूपी को आमंत्रित किया गया और यूपी के मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने के पीछे की खास वजह क्या, कुछ ऐसा काम देख लिया उन्होंने उत्तर प्रदेश के शहरों में जो उनको लगता है कि मुख्यमंत्री को वहां रखनी चाहिए, कि उन्होंने कैसे किया? देखिए राजीव, ये सिंगापुर में हर 2 साल पर ये हम कहते हैं समिट होती है और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, वहाँ के जो मंत्री हैं जिनके विभागों में बेहतर काम हुए रहते हैं और जिन पर वर्ल्ड फोरम पर चर्चा होती है, उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें इनवाइट किया जाता है।
कुछ समय पहले जब ये इवेंट हुआ था तब उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री गए थे और उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। और इस बार चूंकि सस्टेनेबल सिटीज की बात हो रही है, कैसे हम शहरों को और बेहतर करें इस पर बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन्वाइट किया है सिंगापुर सरकार ने। फिलहाल अभी उनके आमंत्रण को स्वीकार तो किया है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि क्या 5 से 9 जुलाई के बीच मुख्यमंत्री जाएंगे, कब जाएंगे, अभी इन सारे चीजों पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन उनका जो निमंत्रण है वो यहाँ पर आ चुका है। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो हर 2 साल में ये वर्ल्ड सिटीज समिट होती है और इससे पहले भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहले जा चुके हैं, और कैसे ज़्यादा बेहतर इसको लोगों के लिए बनाया जा रहा है इस पर चर्चाएं इसमें होती हैं।